लॉकडाउन में छूट गई थी इस बंदे की नौकरी, लेकिन सिगरेट रिसाइकलिंग के आइडिया ने बना दिया बिजनेसमैन। आमतौर पर लोग सिगरेट पीने के बाद इसके फिल्टर को फेंक देते हैं। इस फिल्टर को बटोर कर ये शख्स एक बिजनेसमैन बन गया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। फिल्टर को रिसाइकिल करके यह शख्स खिलौने, कुशन और मच्छर भगाने वाली दवाएं तक तैयार करवाते हैं। सिगरेट फिल्टर को बट्स भी कहते हैं, जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पंजाब के मोहाली के रहने वाले ट्विंकल कुमार ने बट्स के इस्तेमाल का अनोखा तरीका निकाला है। मीडिया से बात करते हुए ट्विंकल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में नौकरी छूट जाने के बाद कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन के बाद काम वगैरह नहीं था, मैं जिस फील्ड से हूँ वो फील्ड टोटली बंद हो गई थी। देख रहे थे यूट्यूब वीडियोस वगैरह के, कुछ किया जाए ऐसा जिससे अपना भी फायदा हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट समाज का भी फायदा हो। देखते देखते पता लगा कि सिगरेट रिसाइकिलिंग के बारे में, कि सिगरेट रिसाइकिलिंग होती है। पहले तो लगा कि नहीं, ये लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। तो फिर एक बारी सोचा कि नहीं, चलो प्रैक्टिकली देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो हम नोएडा में जो जिन्होंने ये आइडिया सोचा था, नमन गुप्ता जी, उनके पास गए तो उनसे सारा देखा हमने कि ये कैसे प्रोसीजर होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हाँ, पता लगा कि नहीं, ये होती है चीज़। अगर सिगरेट यूज सिगरेट बट्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और वो भी 100% लाइक यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आइडिया, तब से कर रहे हैं। एक आइडिया जो पता लगा था सिगरेट रिसाइकिलिंग के बारे में, बस ठान लिया मन में कि नहीं, ये करना है। तो उसके बाद हमने इधर पंजाब में ये चीज शुरू की। ट्विंकल कुमार ने बताया कि उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले सिगरेट के बड्स को इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया। उन्होंने सिगरेट के टुकड़ों के लिए सिगरेट बेचने वाली दुकानों से संपर्क किया। वहां कंपनी की कुछ महिलाओं को तैनात कर दिया। उनका काम होता है कि वे सिगरेट बड्स को इकट्ठा करें। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो हिचक होती थी, लेकिन एक टाइम के बाद इस काम में मजा आने लगा। पब्लिक प्लेस में सिगरेट के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए डिब्बे रखे गए। इसके बाद जब फिल्टर इकट्ठा होने लगे तो उन्हें केमिकल्स से साफ करने का काम शुरू हुआ। इसके बाद साफ बट्स का इस्तेमाल खिलौने, कुशन और मच्छर भगाने में किया जाता है। हमने 800 से 900 बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं अभी तक, जिसमें कि जितने भी सिगरेट शॉप्स हैं, हुक्का बार हैं, क्लब्स हैं, होटल्स हैं, एयरपोर्ट है, जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज हैं जहाँ पे स्मोकिंग के लिए स्पेशल एरिया होता है, वहाँ पे हमने ये बॉक्स इंस्टॉल किए हैं। और आज की डेट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। आपको बता दें कि सिगरेट के बड्स सेल्यूलोज एसीटेट नाम के प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसे खराब होने में 10 साल तक का समय लगता है। यानी 10 साल तक ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्विंकल कुमार ने कहा कि फिल्टर न सिर्फ प्रदूषण का कारण बनते हैं, बल्कि वे निकोटीन जैसे केमिकल्स भी छोड़ते हैं। ट्विंकल कुमार ने लोगों को यह मैसेज भी दिया कि लोगों को धूम्रपान यानी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। हेल्थ रिस्क जानने के बाद भी जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे लोगों से ट्विंकल अनुरोध करते हैं कि अगर वे सिगरेट पीते हैं तो उसका फिल्टर आसपास मौजूद बॉक्स में ही फेंके। इससे प्रदूषण भी कम होगा और उन बड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।